ऑफिस विभाग में निकाली गई है चौवालीस हजार पदों पे बिना परीक्षा सीधी भर्ती सभी छात्र और छात्राएं अगर आप दसवीं पास हैं तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दसवीं पास वालों के लिए चौवालीस हजार दो सौ अट्ठाइस पदों पे भर्ती की प्रक्रिया निकाली गई है और आज से पंद्रह जुलाई से लेकर पंद्रह अगस्त तक जो है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू कर दी गई है तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करें क्योंकि यहाँ पे बिना परीक्षा सीधी भर्ती है तो आज ही यहाँ पे ऑनलाइन कर लें अगर आप दसवीं पास कर रखे हैं तो आपको

पे जो है ये भर्ती जो है वो यहां पे निकाली गई है ठीक है पूर्ण तरह से सरकारी नौकरी है आप चौवालीस पे, तो पे, तो पे, तो पे मांगी गई है अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं पास में आपका सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश में आप पास होने चाहिए यानी आपका नंबर आप का कितना भी है टेंथ में उससे फर्क नहीं पड़ता है मैथ में आप जो है पास होने चाहिए यानी कि मैथ में कम से कम सौ में तीस नंबर आपका होना चाहिए और इंग्लिश में भी कम से कम जो है वो आपका सौ में तीस नंबर जो है वो होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं देखिएगा यहाँ पे ऑनलाइन फी की बात कर लें तो इसका चार्ज जो है वो सौ रुपया लग रहा है किसी भी जाति के लिए सौ रुपया लग रहा है लेकिन एस सी और महिलाओं के लिए कोई भी चार्ज नहीं है यानी पुरुष में अगर आप जनरल हैं ओ हैं ई हैं तो आपको जो है सौ रुपया ऑनलाइन का चार्ज है लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको कोई रुपया नहीं लग रहा है चाहे किसी भी जाति के हैं और एससी एस वालों को भी ऑनलाइन करने का कोई चार्ज जो है वो यहाँ पे नहीं लग रहा है यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं तो यह आपका दसवीं पास से बहाली निकाली गई है और एज लिमिट जो है वो 18 साल से 40 साल रखी गई है यानी न्यूनतम आपका 18 साल है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है लेकिन एज रिलेक्शन भी आपका जो है जो छूट है एज का वो लागू है जो कि मैक्सिमम एज में लागू होगा अगर आप ओ हैं या आप एस हैं या एस हैं तो आपको जो है यहाँ पे छूट मिलेगा ओ वालों को तीन साल का छूट मिलेगा यानी आपका मैक् क्सिम तैतालीस साल हो जाएगा और एस सी एस टी है तो आपको पांच साल का छूट मिलेगा मैक्सिमम एज जो जो है 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 वो वो आपका साल यहां पे हो जाएगा अब देखेंगे इसके लिए ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और कब कब से तक की प्रक्रिया चलेगी इसके लिए मैं सीधे आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं ध्यान से देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा उस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर लेना है और मार्क्स बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा से देखिएगा ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके बिहार नोटिस डॉट इन जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है और बिहार नोटिस डॉट इन का पेज जो है वो यहां पे खुल जाएगा यहां से बिल्कुल ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताऊंगा उस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है यहां पे थ्री लाइन दिखेगा यहां पे आपको थ्री लाइन पे फटाफट फड़ तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब वाले सेक्शन पे जाना होगा ये आपका गवर्नमेंट जॉब का सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी वैकेंसियाँ जो भी है जो भी आपको दिख जाएगी तो अभी तुरंत आपकी वैकेंसी आई है इंडिया पोस्ट जी वैकेंसी यानी आपका डाक सहायक भर्ती तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करेंगे और यहां से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो यहां पे शुरू हो जाएगा ऑनलाइन की प्रक्रिया जो है वो आपका 15 जुलाई 2024 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक चलेगा अगर आप ये बाद में वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन आपका शुरू हो चुका है ठीक है तो नीचे की ओर जाएंगे देखेंगे मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन है तो कितने मार्क्स पे आपको क्या पोस्ट यहाँ पे मिलेगा पहला जो है बी में है और दूसरा जो है ए बी पी एम है तो दोनों तरह के पोस्ट में आप पुरुष हैं या महिला हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सैलरी जो है अगर आप बी पी एम की सैलरी की बात करें तो उनतीस हज़ार तीन सौ अस्सी रुपए की सैलरी जो है वो यहाँ पे बनती है और वही आपका ए बी पी एम की बात कर ले यानी कि इसके सहायक होते हैं और इसकी सैलरी जो है वो आपका चौबीस हजार चार सौ सत्तर रुपए बनते हैं यानी दसवीं पास में काफी अच्छी सैलरी जो है वो यहां पे देखने को मिल रही है अलग से आपका जो डी ए होता है वो आपका अलग से वहां पे अलाउ होगा तो पूरी जानकारी यहां पे समझेंगे अब देख लीजिए यहाँ पे किसका क्या काम होता है तो सबसे पहले बीपीएम की बात कर लें जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है इसका काम होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपके ब्रांच ऑफिस में आपको जो है वो वहाँ पे बैठकर काम करना है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो है वो वहाँ पे आपको करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर का ठीक है और यहाँ पर बात कर लें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का तीन का जो है स्टाम्प बिक्री करना है यानी पोस्ट ऑफिस में बैठ कर ठीक है आपका आजकल जो है पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक हो गया है तो उसे बैठ आपको क्या करना है टिकट बेचना है स्टेशनरी जो भी आप ख़रीदने वहाँ पे जाते हैं या मेल जो है वो वहाँ पे करने जाते हैं रजिस्ट्री रे, करने जाते हैं बहुत सारा जो है वो आपका ये भी ऑफिशियल वर्क है वहाँ पे ऑफिस में बैठ कर आपको करना यानी मेल डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वर्क यहाँ पर करना होगा डाक सेवक की बात करें तो डाक डाक सेबल भी है इसमें यह शामिल है डाक सेबल भी आपका उसी का है सेल ऑफ एस्टामी ठीक है इसका भी करीब करीब वही काम है जो आपका बी एम पी एस सी का है असिस्टेंट का ठीक है जो कि आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है इसका काम होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपके ब्रांच ऑफिस में आपको जो है वो वहाँ पर बैठ कर काम करना है डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर आपको करना है ब्रांच पोस्ट मास्टर का यहाँ पर पूरी जानकारी समझ गए अब देखिएगा ऑनलाइन कैसे करना है और कब तक आपका जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे होगा ठीक है फ़ी की बात पहले ही बता दी गई है कि सौ रुपये का आपका फ़ी लग रहा है और महिलाओं को कोई पैसा नहीं लग रहा है एस सी को भी कोई पैसा नहीं लग रहा है डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे अब देखिए यहाँ पे डेट की बात करें तो डेट आपका कब से है कब तक है तो 15 जुलाई से लेकर आपका जो एप्लीकेशन चलेगा वो पंद्रह अगस्त तक जो है वो आपका लास्ट हो जाएगा यानी पुरुष हो या महिला हो दसवीं पास से बहुत अच्छी सैलरी जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है ठीक है और आपको अपने इलाके में ही आपको जो है पोस्टिंग यहाँ पे दी जाती है अगर आप टेंथ पास हैं तो आसानी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई का डेट जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है पंद्रह जुलाई से लेकर 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक आपका ऑनलाइन का लास्ट डेट है 15 अगस्त से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई यहां पे कर लेना है तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है नोटिफिकेशन का दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट का सारा लिंक यहां पे आपको मुहैया करा दिया गया है जहां सिर्फ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन लेना है फिर रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके बाद पेमेंट करना है और उसके बाद सारी डिटेल फिल करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है आप ऑनलाइन अप्लाई आप जो है वो यहां पे कर लेंगे ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फटाफट तरीके से पूरी जानकारी पढ़ लें और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाए ताकि आगे कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले सरकारी नौकरी की आपको यहां पे मिलती रहेगी ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फटाफट तरीके से पूरी जानकारी पढ़ लें और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाए ताकि आगे कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले सरकारी नौकरी की आपको यहाँ पे मिलती रहेगी ठीक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फटाफट तरीके से पूरी जानकारी फल लें